रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम जल्द ही और ट्रेनों के शुरू होने की घोषणा करेंगे। इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे टिकटों की ऑफलाइन बुकिंग भी शुरू करने जा रहा है। 22 मई से ये सुविधा देश के लगभग 1.7 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी CSC पर उपलब्ध होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को राहत देते हुए शिक्षा मित्रों की याचिका को खारिज करने के साथ ही अब 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि तूफान के कारण हुई तबाही पर पश्चिम बंगाल के दृश्यों पर नजर रख रहा हूं। इस चुनौती भरे समय में पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। FIR में आरोप लगाया गया कि कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री केयर्स फंड को लेकर गलत जानकारी प्रसारित की है। बस प्रकरण में कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा, जिसके कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधि करने का आरोप है। केंद्र सरकार ने 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन बहाल करने का फैसला किया। देश में हवाई सेवा 2 महीने के बाद शुरू होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अभी तक वंदे भारत मिशन के तहत 20,000 से ज्यादा लोगों को वापस लाया गया है। यूपी के जौनपुर में 16, आजमगढ़ में 15, सिद्धार्थनगर में 11, रामपुर में 10, महाराजगंज में 8, बस्ती में 6, उन्नाव में 5, कानपुर में 3, हरदोई में 2, हमीरपुर में 2, कन्नौज में 2 और मथुरा में 1 कोरोना संक्रमित मिला है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 5,301 हो गई है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में गुरुवार दोपहर 2 बजे तक कोरोना पॉजिटिव के 131 नए मामले दर्ज हुए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 6,146 हो गई है। अमेरिका में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से 1561 लोगों की मौत हुई। वहीं ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 19,951 नए मामले दर्ज हुए हैं। पिछले साल चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना वायरस के दुनिया भर में मामले बुधवार को 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा हो गए हैं। वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के अनुसार 5 महीने से भी कम समय में इस वायरस के कारण पूरी दुनिया में लगभग 3,25,000 लोगों की जान चली गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।